YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। इसके साथ ही पांवटा साहिब में बीजेपी की ओर से दो दिवसीय आवासीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक के पहले दिन बीजेपी के कुछ ही लोग बैठक में शामिल हुए। बैठक का आयोजन सीएम और बीजेपी के विधायक सुखराम चौधरी के बैनर तले किया जा रहा है, लेकिन बैठक में बीजेपी कार्यकर्ताओं का ना पहुंचना ही और कहीं ना बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी से नाराजगी को बयां कर रहा है। वहीं जब बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं से बात की गई तो हर सवालों से बचते हुए वो नजर आए। तो दो दिवसीय आवासीय बैठक का आयोजन किया गया है और बैठक में बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं पहुंचे हैं, तो यहां पर देखा जा सकता है कि नाराजगी है कहीं ना कहीं, और इस नाराजगी को दूर करने के लिए देखना होगा कि आगे भी कोई बैठक की जाएगी या फिर मुलाकात की जाएगी। बैठक में कई बीजेपी कार्यकर्ता नहीं पहुँचे हैं। सीएम और विधायक सुखराम चौधरी मौजूद रहने वाले हैं। दो दिवसीय आवासीय बैठक का आयोजन है। तो पांवटा साहिब से एक खबर है जहां पर दो दिवसीय बैठक होने वाली है। बैठक में बीजेपी कार्यकर्ता नहीं पहुंचे हैं और सीएम और विधायक सुखराम चौधरी मौजूद रहने वाले हैं। दो दिवसीय आवासीय बैठक का आयोजन किया जाएगा।